प्यारे शहरवासियों, दीपक जी ने चलाया प्रोजेक्ट फ्यूल और जिन लोगों ने इनके बारे में पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं शॉर्ट में इनका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देहरादून से हैं, 2009 में इन्होंने प्रोजेक्ट फ्यूल की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट फ्यूल किया है, ये सभी लोगों से मिलते, दुनिया भर के अलग अलग लोगों से, तालिबान से अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेकर के पंजाब और राजस्थान तक, और उनसे एक ही बात पूछते थे कि आपने अपनी जिंदगी से क्या सबक लिया है, क्या सीखा है। बस वो कलेक्ट करते गए एक एक कागज, एक एक कागज, एक एक कागज, और उन सबका संकलन कर लिया। आज हम उनकी पहली किताब के साथ हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने लिखे, कविताएं लिखी, उसका संकलन किया, इतना तो मैं समझ गया हूँ। और मुझे भी इसको लिख करके ये पता लग रहा है कि इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि ये जो समझे हैं वो क्या समझे हैं। एक्चुअली ये दूसरों की समझ से सब कुछ समझ करके इसमें समेट करके लाया, और मैं ये समझ गया हूँ कि इसके अंदर वही समझा पूरा आपको मिलने वाला है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबके लिए, तालियां, धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बड़े सीनियर लोग हैं जिनके बीच आज बोल करके खुशी भी हो रही है और आशीर्वाद भी मिला है, धन्यवाद। दीपक जी, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा मैंने पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस आपके देखे, बड़े बड़े लोगों के साथ भी वीडियो देखे, यूट्यूब पर भी देखा। आप सभी से पूछते हैं कि जीवन में आपको क्या सीख दी है। मैं आपसे पूछता हूं पहला सवाल, आपको जीवन ने क्या सीख दी है? शुभ संध्या, नमस्कार, आए हुए सभी माननीय जो भी लोग हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने शाम अपना वक्त निकाला, और सबसे ज़्यादा अजय जी आपके लिए। आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि जिंदगी से मैंने सीखा है कि अपनी कहानी जितना हो सके, जितने लोगों से हो सके और जितनी बार हो सके आपको बांटनी चाहिए, चाहे आपकी कहानी कुछ भी हो। बहुत लोग सोचते हैं कि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद ही कहानी में रस आता है, पर एक 14 साल का बच्चा आपको बहुत बखूबी बता सकता है कि 14 साल के बच्चे के जहन में क्या चलता है जी। वो अगर 40 साल का इंसान बताए तो वो मुड़ कर देखेगा, पर अगर 14 साल का बच्चा बताए तो वो बताएगा वहीं से जहां वो खड़ा है जी। तो मेरे लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख जो थी वो यही थी कि अपनी कहानी जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बांटें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी कहानी, आपके अनुभव सुनकर कौन मंत्रमुग्ध होगा, कौन अपने जिसे कहते हैं दुख से एक आराम पाएगा, कौन सुकून पाएगा, कौन हंसेगा। आपकी कहानी बहुत अलग अलग रूपों में लोगों को जिसे कहते हैं प्रेरणा देगी, और या तो फिर उनका मनोरंजन करेगी। तो अपनी कहानी जरूर बांटें, ये जिसे कहते हैं मूल लाइफ लेसन मेरा रहा है एक लंबे सर। मतलब मैं सफल हो गया, मैंने आते ही अपनी कहानी सुना दी थी। जी बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या कुछ ना कुछ प्रेम या कुछ ना कुछ तो उसमें से आपने भी आज ले लिया होगा, तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। राइट, इसके बाद आप बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड बैलेंस की। लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन से इम्पोर्टेंट आप बैलेंस को बताते हैं, पहले तो दोनों में फर्क क्या है, व्हाई बैलेंस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू? एक्चुअली छोटी सी एक्टिविटी है आपकी इजाजत हो तो सबके साथ कर लीजिए। मैं पढ़ाता हूँ विश्व भर में अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग उम्र के लोगों को, तो एक छोटा सा गेम जो है वो बहुत पहले इन्वेंट किया था, आप सबके साथ खेलता हूँ, फिर अजय जी के सवाल का जवाब देता हूँ। गेम बहुत आसान है, जब मैं एक कहूँ या वन कहूँ आपको एक बार ताली बजानी है, टू कहूँ दो बार, और तीन कहूँ तीन बार। बस गेम का एक रूल है, आप सबको साथ में ताली बजानी है। इस कमरे में करीबन 30 लोग हैं, तो 30 लोग जब एक साथ ताली बजाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि एक आदमी ताली बजा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, बड़ा आसान सा गेम है। 1, 2, जब आप ताली बजाना खत्म करें और उसके बाद भी आवाज सुनाई दे, इसका मतलब है कि जो कमरे में लोग हैं हार रहे हैं, क्योंकि आप का फर्स्ट रूल है कि सबको साथ में ताली बजानी है। चलिए 1, 2, 1, 2, 1, 0। यही गेम मैंने करीबन 90,000 लोगों के साथ खेला है, और करीबन 28 देशों में खेला है, यूनाइटेड नेशंस में खेला है, टेड में खेला है,
और इस गेम को इजाद करने के पीछे मकसद ये था कि हमें बचपन से बताया जाता है कि आप ध्यान दीजिए, अगर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो किताबों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, पर कोई ये नहीं बताता कि संतुलन बनाए रखिए। मैं पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करने लगा स्कूल में, पर जब दोस्त आके कहते थे आज हमारे साथ आके खेल लो, मैं कहता था नहीं, क्लास में फर्स्ट आना है। तो कई महीनों तक या कई सालों तक अच्छे दोस्त ही नहीं बने। कुछ क्लास में बच्चे ऐसे थे जो दोस्तों में इतने मशरूफ थे कि जब पढ़ाई की बात आई तो वो दोस्तों के साथ ही खेलते रह गए, वो पढ़ाई उन्होंने की नहीं तो नंबर हमेशा कम आते थे। फिर जब कॉलेज में आए तो कॉलेज एक्टिविटीज में इतने बिजी हो गए कि घर फोन ही नहीं किया, तो परिवार से रिश्ता जो है वो थोड़ा सा अलग होने लगा। तो मुझे लगता है कि जब आप ध्यान देते हैं तो आप जीतते जरूर हैं, पर आप अकेले जीतते हैं। जब आप संतुलन बनाते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप सबके साथ जीतते हैं। अगर आप कोशिश करें कि आज घर भी फोन करना है, थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ जिए रादर देन आप एक फोकस्ड लाइफ जिए। क्योंकि जब आप फोकस करते हैं तो सिर्फ आप जीतते हैं, जब आप बैलेंस करते हैं तो सब आपके साथ जीतते हैं। और आपने अभी रूम में ही देखा, आपने भले ही कितनी बखूबी अपनी ताली बजाई हो, एक पर, दो पर, तीन पर, और जीरो पे ना बजाई हो, पर किसी एक ने कमरे में गलत ताली बजाई, सब भूल गए दो मिनट के लिए कि किसने सही ताली बजाई। तो हम सबको वही याद रहता है जो हम साथ में एक समूह के तौर पर, एक संगठन के तौर पर काम करते हैं। चारों तरफ से जो भी आपने इकट्ठा किया वो सारा कलेक्शन है, रोमांस, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन सब की बात इसके अंदर है। लेकिन इस तरह की शब्द आपने अपनी कविताओं में इस्तेमाल नहीं किए, जैसे प्यार या इश्क या मोहब्बत, लेकिन फिर भी कविता पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी तरह से रोमांस में, इश्क में, मोहब्बत में, जो भी आप नाम दे दें प्यार का, उसमें डूबी हुई है। कैसे? मेरा घर अपने आप में एक बड़ी अच्छी लैबोरेटरी है, लैब है, जिसमें आप देखें आम परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवारों में, कभी हमारे पिता या माता एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहते जी। पर पूरा दिन ऐसा गुजर जाता है साथ में उस रिश्ते को देखते हुए कि आप यही यकीन करेंगे कि उसमें प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं, उस नाराजगी में भी, पर वो कभी उस शब्दों में बयान नहीं करते। तो बड़े होते हुए अक्सर मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी जनरेशन भी कुछ ऐसी है, हम इतना एक्सप्रेसिव अपने आप को मानते हैं, बट वी डोंट रियली से आई लव यू डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिनके थ्रू हम बयान कर सकें। तो मुझे लगता है प्रेरणा तो वहां थी घर पे, अपने माता पिता को कभी ऐसे डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करते हुए नहीं सुना, बहुत अलग अलग रूप और तरीकों से देखा। तो जब किताब भी लिखने आया तो कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था कि ऐसे ही लिखनी है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो बात जहन में थी कि कहना है पर उसी तरीके से कहना है जिस तरीके से देखा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आज शाम की आप सबको ज्यादा से ज्यादा सुना सकूँ, तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इतनी दूर अजमेर 9 साल बाद आया हूँ तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं और सुनाऊं। ये एक नज्म है जिसका नाम है खत। मैंने तुमको जो खत लिखा था शायद तुमको मिला नहीं, मैंने तुमको जो खत लिखा था शायद तुमको मिला नहीं, खैर मेरी इस हार का मुझको फिर से कोई गिला नहीं। मैंने तुमको जो खत लिखा था शायद तुमको मिला नहीं, खैर मेरी इस हार का मुझको फिर से कोई गिला नहीं, लिखा था तुमको मैंने फिर से माफी मांग रहा हूँ, लिखा था तुमको मैंने फिर से माफी मांग रहा हूँ, खोकर तुमको खोया खुद को धीरे धीरे जान रहा हूँ। बारिशों में बहती है तेरे बालों की खुशबू, खत में लिखकर भेजा था सपने में कल फिर आया था तू, माना थोड़ी गलतियां गुजरी अपनी राहों से, मिले नहीं कदम मेरे कभी तुम्हारे पांव से, फिर भी तन्हा दिल देखो आस लगाए बैठा है, दिन मिल जाएंगे एक दिन अक्सर मुझसे कहता है। कितनी हैरत की बात है देखो अजनबी जब हम दो साए थे, खुशी खुशी बिना झिझक एक दूजे ने अपनाए थे, जान गए जब रिश्ते रस्में भूल गए सब वादे कस्में, जीते कभी जो इश्क की बाजी जग से, कहते हैं ये जंग नहीं है बस में,
खैर मैं एक और खत लगभग पूरा लिख चुका हूँ खैर मैं एक और खत लगभग पूरा लिख चुका हूँ उम्मीदों के डाकखाने में खामोश खड़ा वहीं रुका हूँ जहां से शायद खबर मेरी सच धज कर तुम तक पहुंचेगी और मायूस मुसाफिर सी मंजिल से मिले बिना घर लौटेगी एक कागज के टुकड़े पर पिघलाकर दिल अपना एक कागज के टुकड़े पर पिघलाकर दिल अपना मरता है कोई कितना अगर समझना हो तो इस बारी तुम भी मुझको खत लिखना तुम भी मुझको खत लिखना तो मुझे लगता है इसमें अब हम कहें कि इश्क भी है और बिरहा भी है मुझे लगता है अपने आप जो है भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं अगर आप उसको उस पर और बोझ ना डाल दें कभी कभी और ख्यालों और शब्दों का मैं थोड़ी देर पहले जब दीपक से मिला था तो एक बड़ा अलग सा मुझे दिमाग आया था क्योंकि मैं दीपक रमोला नहीं हूँ मैं अजय हूँ पूनम दीदी हैं और अंशुमन अंशुमन है सीपी देओल साहब हैं मैंने इनसे ये सवाल पूछा था कि यार मतलब भगवान भी ना हम सबको चुन चुन के बनाता है तू ये होगा तू ये नहीं होगा तो ये होगा तू ये ही होगा गॉड ग्रेस है तो मैंने इनसे पूछा था आपकी जो क्रिएशन हुई है इस धरती पर आपको लगता है कि मतलब इसमें किसका बहुत बड़ा हाथ है बट एनीवेज दीपक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ हमें इस किताब के ऊपर चलना पड़ेगा अंदर जाना होगा छापना होगा इतना तो मैं समझ गया हूँ थोड़ा और समझा दें आप कुछ खास चलिए आपको क्या सुनाया जाए मैं अक्सर ये जो नज्म है इसको कई अलग अलग रूपों में पढ़ता हूँ कई बार रिश्तों के नजरिए से पढ़ता हूँ कई बार नज्मों के नजरिए से पढ़ता हूँ कि एक कवि के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है ये फैसला करना कि कहाँ खत्म हुई है और कैसे खत्म होगी और उस नजरिए से भी देख सकते हैं जब आपको कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लेना होता है उस नजरिए से भी देख सकते हैं तो इसका उनवान है दिन ढलने को है दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया कुछ और वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ या अब तुम्हें खोना चाहता हूँ मैं दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया कुछ और वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ या तुम्हें खोना चाहता हूँ मैं यूं ही समय खुद को रखूं या बिखर कर रोना चाहता हूँ मैं दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया धूप सुनहरी मांगूं अपनी खातिर या बेमौसम बारिश में नाचूं हंसी छिड़क दूं जरा हवा में या टप टप बहते आंसू बांटूं समझ नहीं आता खुद से दूर चला जाऊं कहीं या अपनी ओर भागूं दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया कि रिश्ते जो सड़ गए हैं सीने को जकड़े हुए हैं उन्हें उतार कर फेंक दूं कि रखूं कुछ और देर पनपने दूं दर्द जो हो रहा है इसकी आदत डाल लूं या इसे भूल जाऊं है शौक जो जीने का उसे छोड़ दूं या कुछ दिन और निभा लूं देखो ना दिन ढलने को है और मैंने आज अब तक कोई अहम फैसला नहीं किया आपकी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन है या आपके घर में कोई लिखते हैं जिसकी वजह से आपने लिखना शुरू किया या इट वाज ऑल नेचर एंड योर फीलिंग्स एक्चुअली घर में कोई नहीं लिखता पिताजी शेफ है भारतीय सेना में Okay. और मदर होममेकर हैं शीज फ्रॉम द आर्मी ओह शीज एन आर्मी फैमिली जी सो मेरे फादर शेफ हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बड़ी बहन है वो एक संस्था है आस्था ट्रस्ट उनके साथ काम करती है जो स्लम और स्ट्रीट किड्स हैं उनको पढ़ाती हैं तो लिखता तो कोई नहीं था दरअसल मुझे लगता है कि मेरे बातें मैं बहुत करता हूं तो बचपन से ही मुझे लगता है सुनने वाला कोई ज्यादा मिला नहीं सब अपने अपने काम में मशरूफ थे तो एक लिखने का एक और जरिया मिल गया और मेरी जो हिंदी टीचर थी स्कूल में श्रद्धा बख्शी मैम उन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी स्कूल के डिबेट्स में एक दौड़ था जब आप किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता में शुरू करते थे कवि किसी कवि की चार पंक्तियों से और एक वो ट्रेंड था और स्कूल में एक मुझे याद है एक मरतबा जो शीर्षक था वो था उत्तराखंड में बिजली उत्पादन अब किसी कवि ने उत्तराखंड की बिजली उत्पादन पर इतना विशेष कर तो नहीं लिखा
तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं किसी कवि के बारे में जिन्होंने लिखा हो, मुझे किसी कवि की चार पंक्तियों से ही शुरुआत करनी है। तो उन्होंने कहा कि चार लाइनें तो हैं, खुद लिख लो। तो जब चार लिख ली तो फिर उनके पास गया, उन्होंने कहा चार लिख ली है तो आठ लिख लो, और फिर आठ लिख ली तो तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें लगता है कि बात पूरी ना कह दी हो। तब से लेकर अब तक। My question to you is, अभी आपने एक चीज बोली, that is, it is very important in life to follow your passion. But what I think it is more important to have courage to pursue that passion. तो मुझे लगता है शायद आप जिस तरह की personality हैं, तो आपको कभी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि वो डर आपके अंदर हो कि मैं लिखूं और लिखने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाऊं। पर जिन लोगों में ये डर होता है, what is your suggestion? जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं डरता था, क्योंकि स्कूल में मुझे बहुत बुली किया गया मेरी आवाज़ को लेकर। स्कूल पूरे स्कूल के सफ़र में मुझे कई बार इस बात को लेकर छोटा महसूस कराया गया, अलग महसूस कराया गया कि मेरी आवाज़ बहुत पतली है, और अब तो फिर भी बेहतर है, स्कूल में और ज़्यादा पतली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो था कि मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पर क्या बोलना चाहता हूँ और बोल पाऊंगा, उसका डर जो है उसको मिटाने में बहुत साल लगे। जो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, मैं एक्चुअली आपको एक चीज बताऊं, 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्यूल का काम शुरू किया, और पिछले महीने 27 का हुआ तो 10 साल हो गए। और मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ पैशन अकेले आपको जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक उस चीज के साथ नहीं ले जा सकता। पैशन शुरुआत के लिए अच्छा है, आपको पागलपन लाना पड़ेगा, आपको पागलपन लाना पड़ेगा, आपको शिद्दत लानी पड़ेगी, और आपको एक तरीके से जिसे कहते हैं जमाने से हटकर अपने आप में खुशी ढूंढनी पड़ेगी उस काम के लिए। क्योंकि मैं गाने तो हर महीने लिखता हूँ, उसको अमिताभ बच्चन जी गाए तो वो एक याद बन जाता है, वो हिट हो जाता है। कोई दूसरा गाना है जो शायद कभी आप तक पहुंचे भी ना, पर उसको लिखते हुए मुझे कितनी खुशी मिलती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और कई लोग उस जिसे कहते हैं उस मापदंड को पाने में ही बहुत समय लगा देते हैं उस पैशन के बाद, एक्सटर्नल जिसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपने अभी सर ने पूछा कि आप अपनी किताबों में अक्सर प्यार मोहब्बत इश्क का जिक्र करते हैं, बट वो शब्द नहीं होते हैं। दो साल पहले इरशाद कामिल साहब आए थे यहाँ पे अजमेर फेस्ट में, तो 5 मिनट मुझे मिले थे पर्सनली बात करने के लिए। मैंने पूछा था कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, तो ही सेड कि मेरी पत्नी है, जो लिखता हूँ कहती है वही आते और ऊपर फेंक देती, कूड़े डाल देती है। तो प्यार मोहब्बत इश्क का जो वास्ता होता है डेफिनेटली बड़ा ही क्लोज होता है। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा क्रिटिक आपकी भी लाइफ में है, या फिर आने वाला है, या फिर आएगा? तो अगर आप शेयर करना चाहें कुछ तो बड़ी खुशी होगी हम सबको। तो आजकल यूथ को इस मामले में थोड़ा सा दबा दिया जाता है, मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा क्रिटिक होता तो ये कविताएं नहीं होती, क्योंकि कभी पब्लिश ही नहीं होती। ये तो ख्याली जो जिसे कहते हैं एक एक इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ जो प्रेम है उसका तो मजा ही अलग है। तो उम्मीद तो है कि कोई हो जो जो 90 कविताओं को छांट कर 9 करे, पर आई थिंक वो जब होगा तब होगा, उसकी ज्यादा टेंशन नहीं मैं लेता हूँ। और अभी तो मेरी सिस्टर हैं, मेरे जो जिगरी दोस्त हैं, वही बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं, उनका ही प्यार आधे से ज्यादा किताब को पत्ता कर देता है। श्रद्धा मैम है, माता पिता है, मेरी मदर कभी स्कूल नहीं गई, पर अगर उनको आप कविता पढ़ के सुनाए तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ मीटर लंबा है और कहाँ काफिया नहीं मिला। वो कहती ये उखड़ा कान में उखड़ा, वो काफिया नहीं जानती पर बोलती ये कान में कुछ जमा नहीं। वो उनका लहजा है बात करने का, वो उनका क्रिटिक है। और क्योंकि आपने कहा सीरिया से माहौल गंभीर है, और मुझे लगता है हरसिमरन हमारे पास वक्त आखिरी है, एक आखिरी खुश मिजाज नज़्म से जो है वो चलिए इसको समापन करेंगे अपने इसका, ताकि कम से कम अजमेर ये ना याद रखे कि मैंने सिर्फ सैड कविता सुनाई है। और ये एक्चुअली किताब की आखिरी नज्म है और मेरी जिंदगी का यही सार है, और सर ने इतना अच्छी उपाधि गुलाब की दे दी तो मुझे लगता है कि ये सुनाना लाजमी है कि अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम, अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम,
ख्यालों में आजाद शब्दों की गिरफ्त में एक नज़्म, यादों की वीरान गली में पीछा करता पुरानी पहचान का साया, एक खेल जिसमें जितना जीते हम उससे कहीं ज्यादा गवाया, सख्त हाथों और नर्म दिलों की कश्मकश, झूठे दिलासों का तसव्वुर और एक चुपता हुआ सच, दबी दबी सी मुस्कुराहटें बेझिझक चीखता हुआ डर, बड़े खामखा हैं इसके झगड़े, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, बेनजीर मुसाफिरों का एक कारवां, रिश्तों से सराबोर एक रोशन जहां, बेनजीर मुसाफिरों का एक कारवां, रिश्तों से सराबोर एक रोशन जहां, लड़खड़ाते हुए हौसलों का हुजूम, जगमगाते ख्वाबों की महफिल, किसी के लिए हर पहर आसान, किसी के लिए हर घड़ी मुश्किल, किसी के लिए हर पहर आसान, किसी के लिए हर घड़ी मुश्किल, कुछ पाने की मुसलसल एक चाह, रंजिशों से बेखबर एक गुनाह, जरा सी महूलत जरा सा इंतजार, लबों पे ठहरी हुई नादान एक फरियाद, सर से पांव तक पेचीदा सवालों में तर, सर से पांव तक पेचीदा सवालों में तर, निकाले हजार नुक्स जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर। सो यही उम्मीद है कि आप सब ने अपना समय दिया, सुना जी कार्यक्रम अजमेर में आने के लिए, कलम के लिए। मैं सीपी देवल साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आके अजय जी और दीपक जी को मोमेंटो प्रदान करें। कलम the sword of the